नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन में आज फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आपके दो नंबर कंफर्म हो जाएंगे। चाहे आप SSC, बैंक, रेलवे, UPSC या फिर IBPS किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम में यहाँ पर कम से कम दो नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही हैं। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ मंथ जनवरी की, और इसमें मैं बात करूँगा इस वीडियो में जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल डेज जो होंगे उनको बेसिक से आपको समझाया जाएगा कि वहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं और उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, वो पूरा डिटेल में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर हम देखें पहला डे निकाल के देखते हैं, तो पहले डे में मैं यहां पर बात करूंगा, मैंने चुना यहां पर 4 जनवरी को। अगर हम 4 जनवरी की बात करें तो 4 जनवरी को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं विश्व ब्रेल दिवस। याद रखना माय डियर एस्पिरेंट, विश्व ब्रेल दिवस। तो वर्ल्ड ब्रेल डे यहाँ पर हम हर साल 4 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पर हम ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें वर्ल्ड ब्रेल डे की, तो ये हर साल 4 जनवरी को होता है। और यहाँ पर ये जो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं उसकी वजह है क्योंकि यहाँ पर ब्रेल लुईस का इस दिन जन्म हुआ था। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ब्रेल लुईस की, तो लुईस ब्रेल की, तो ये जो थे इन्होंने यहाँ पर इस लिपि का आविष्कार किया था, जिसकी वजह से इनके बर्थडे को हम 4 जनवरी को ही यहाँ पर वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, द डे इज सेलिब्रेटेड टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेल एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द फुल रियलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन राइट फॉर ब्लाइंड एंड पार्शियली साइटेड पीपल। जो ब्लाइंड हैं, जो बच्चे अंधे रहते हैं, जो लोग अंधे रहते हैं या फिर जिनको दिखता नहीं है, आँखों में कम दिखता है, उनके लिए यहाँ पर ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया है। और इसका आविष्कार किया था लुईस ब्रेल ने, इसीलिए हम हर साल 4 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे। याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। और ये उन पीपल्स के लिए है जो विजुअल डिसेबिलिटीज से यहाँ पर ग्रसित होते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अगर देखिए आप, तो लुईस ब्रेल का जो जन्म हुआ था 4 जनवरी 1809 में हुआ था, और यहाँ पर कॉप ब्रे टाउन में, जो कि नॉर्थन फ्रांस में पड़ता है, यहाँ पर इनका बर्थ हुआ था। अब अगर आगे देखें तो अगला डे है आपके सामने 9 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। अब हम जानते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो आगे अगर हम देखें तो आपको बता देते हैं कि द प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 9 एज महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका ऑन द डे इन 1915। भाई 1915 में महात्मा गांधी आ गए थे साउथ अफ्रीका से भारत, इसीलिए हम हर साल 9 जनवरी को विश्व प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है NRI डे के नाम से भी ये जाना जाता है, और 9th ऑफ जनवरी को हम इसको यहाँ पर हर साल सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इस बार इसमें 16th प्रवासी भारतीय दिवस हमने मनाया, जो कि कन्वेंशन हुई थी 2021 में, और इसकी थीम थी कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। अब अगर हम बात करें आत्मनिर्भर भारत की, इसके द्वारा हम भारत के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ पर स्टार्टअप स्टार्ट किए जा रहे हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बने। तो यहाँ पर इसीलिए इसका मोटो भी कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, इसका मोटो रखा गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको मैंने यहाँ दी है, और ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस, तो बात करें यहाँ पर, देखिए हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हम हर साल वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं 10th ऑफ जनवरी। अब अगर आगे देखें हम, तो द वर्ल्ड
द वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन January 10th सिंस 2006। भाई 2006 से हम हर साल यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। प्रमोट द लैंग्वेज एट द ग्लोबल स्टेज, हम चाहते हैं कि यहाँ पर हिंदी को ग्लोबल स्टेज पर प्रमोशन मिले। द डे मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस विच वॉज इनॉग्रेटेड ऑन January 10, 1975। अगर हम बात करें, अगर डे की बात करें, तो ये इनॉग्रेटेड हुआ था January 10 में 1975 बाय द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी। जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पर कॉन्फ्रेंस की थी, तो इसीलिए यहाँ पर हम जनवरी 10 को हमने चुना है वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में। अब हाउएवर द सेलिब्रेशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी डे वॉज कमेंस्ड ऑन 10 January 2006 बाय प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। इट मस्ट बी नोटेड दैट द नेशनल हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन September 14 एवरी ईयर। ऑन द डे इन 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो बात करें यहाँ पर 2006 में, 10 January 2006 में प्राइम मिनिस्टर जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उस टाइम पे, उन्होंने इसको नेशनल हिंदी डे के रूप में एक्सेप्ट किया, और साथ के साथ 14 सितंबर को यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया। ठीक है, अगर नेशनल हिंदी डे की बात करें तो 14 सितंबर को हमने इसको यहाँ पर एक्सेप्ट किया। ठीक है, याद रखना, ऑन दैट डे इन 1949 द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एडॉप्टेड हिंदी। एक्चुअली में हुआ क्या कि यहाँ पर वर्ल्ड हिंदी डे हम मनाते हैं 10 जनवरी को, और बात करें यहाँ पर हम नेशनल हिंदी डे की, तो 14 सितंबर को हम यहाँ पर इंडिया में इसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये 14 सितंबर को यहाँ पर इसको सेलिब्रेट करने के पीछे रीजन क्या था, तो ऑन दैट डे इन 1949 द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एडॉप्टेड हिंदी। यहाँ पर हमने इसको एडॉप्ट किया था 14 सितंबर को इसीलिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें देवनागरी स्क्रिप्ट की, तो उसको यहाँ पर ये जो लैंग्वेज का एक पैटर्न है इसको एक्सेप्ट किया है, याद रखना। अब अगर हम आगे बढ़ें 12 जनवरी, तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम इस दिन को मनाते हैं, और ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे फॉर एवरीवन और फॉर इंडियंस। अगर हम इंडियंस की बात करें तो सबके लिए राष्ट्रीय युवा दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, याद रखना। 12 जनवरी को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि इंसान युवा होता है उसकी सोच से। अगर आपकी सोच, आपकी थिंक अगर क्रिएटिव है, कुछ नया इनोवेट करने के लिए है, तो मुझे लगता है कि आप अपनी सोच से बिल्कुल यंग हैं, युवा हैं। तो बात करते हैं 12 जनवरी की, तो नेशनल यूथ डे हम हर साल इस दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन 12 जनवरी टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। ऊपर आपने इमेज देखी स्वामी विवेकानंद जी की, इनकी यहाँ पर बर्थ एनिवर्सरी है, इसीलिए हर साल 12 जनवरी को यहाँ पर नेशनल यूथ डे यहाँ पर हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। द डे वॉज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1984 वाइल द इवेंट वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1985। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली बार हमने यहाँ पर नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया, तो हमने किया था 1984 में। द मैन एम बिहाइंड दिस इज टू मेक श्योर दैट द स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री कैन बी इनकरेज टू लर्न अबाउट द लाइफ द आइडियाज एंड फिलोसफी ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड अप्लाई देम इन देयर लाइव्स। In 2021, we are observing 158th birth anniversary of Swami Vivekanand. बात करते हैं यहाँ पर 158th यहाँ पर birth anniversary हमने यहाँ पर इनकी celebrate की 2021 में, और बात करते हैं 12 जनवरी 1863 को इनका बर्थ हुआ था, याद रखना। तो इसीलिए हम हर साल 12 जनवरी को यहाँ पर नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। द थीम फॉर नेशनल यूथ डे 2021 इज चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। तो यहाँ पर बोला गया है कि भाई चैनलाइज किया जाए यूथ पावर को नेशन बिल्डिंग के लिए, ताकि कहीं ना कहीं नेशन को, राष्ट्र के हित में कुछ नए काम यूथ के द्वारा किए जाएं, नेशन बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करें यूथ यहाँ पर। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता था। बात करते हैं 14 जनवरी, यहाँ पर हम सेलिब्रेट करते हैं पूर्व सैनिक दिवस। तो बात करें यहाँ पर पूर्व सैनिक दिवस की, तो हर साल हम
इन इंडिया द आर्म फोर्सेज वेटरन डे इज ऑब्जर्व ईच ईयर ऑन 14th January सिंस 2017। भाई 2017 से हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये आर्मी के लिए, आर्मी फोर्स के लिए ये एक वेटरन डे है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे यहाँ पर हो जाता है। तो याद रखना, तो ये आपको दिख रहे हैं हमारे आर्मी चीफ, और यहाँ पर पूर्व सैनिक दिवस हम हर साल 14 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। तो अब अगर हम बात करें तो टू एक्नॉलेज एंड ऑनर द सेल्फलेस डिवोशन एंड सेक्रीफाइस ऑफ अवर वेटरन इन द सर्विस ऑफ द नेशन, मतलब ये उन सैनिकों के लिए होता है जो सेक्रीफाइस करते हैं अपनी पूरी लाइफ को और डिवोटेड होते हैं कंट्री के लिए, उनके लिए, उनकी याद में हम हर साल यहाँ पर 14 जनवरी को 2017 से हम रेगुलर आर्म फोर्सेस वेटरन डे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। द डे वॉज इनिशियली कॉल्ड आर्मिस्टिस डे, याद रखना, यहाँ पर आर्मी डे के रूप में भी हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। 2021 मार्क्स द 15th आर्म फोर्सेस वेटरन डे, अब 2021 में हमने 5वां आर्म फोर्सेस वेटरन डे सेलिब्रेट किया। द डे इज ऑब्जर्व एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन ऑफ द सर्विस रेंडर्ड बाय फील्ड मार्शल के एम करियप्पा ओवी द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज। तो बात करें यहाँ पर 14 जनवरी 1953 को ये रिटायर हुए थे, जो कि हमारे पहले पहले मार्शल के एम करियप्पा थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिटायर हुए थे 14 जनवरी 1953 को, इसीलिए हम हर साल यहाँ पर ये डे सेलिब्रेट करते हैं 14 जनवरी को, याद रखना। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो तीन चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। पहली बात तो एक मार्शल के एम करियप्पा जो कि हमारे फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ थे, याद रखना, और यहाँ पर ये रिटायर हुए थे इसीलिए हम हर साल 14 जनवरी को यहाँ पर इसको सेलिब्रेट करते हैं। आगे बढ़ें तो 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस की अगर हम बात करें तो हम सेलिब्रेट करते हैं 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे के रूप में। तो बात करें यहाँ पर, द आर्मी डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 जनवरी एवरी ईयर टू सैल्यूट द वैलियंट सोल्जर्स हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू प्रोटेक्ट द कंट्री एंड इट्स सिटीजन्स। दिस ईयर मार्क्स द 73rd इंडियन आर्मी डे, इस साल हमने 73वां इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया। द आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड एट एनी आर्मी कमांड हेडक्वार्टर्स टू ऑनर अवर कंट्रीज सोल्जर्स टू सेट द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेल्फलेस सर्विस एंड ब्रदरहुड एंड अबव ऑल लव फॉर द कंट्री। तो बात करें यहाँ पर जो सोल्जर्स, आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है सोल्जर्स का, आर्मी का और फोर्स का। तो यहाँ पर अगर हम आर्मी की बात करें जो कि हमारी महत्वपूर्ण सेना है इंडिया की, तो यहाँ पर हम हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और ये यहाँ पर हमने अभी जो सेलिब्रेट किया वो 73वां इंडियन आर्मी डे है। अब बात करें हिस्ट्री की, द डे इज मार्क टू कमेमोरेट द डे व्हेन जनरल लेटर फील्ड मार्शल के एम करियप्पा टुक ओवर द कमांड ऑफ आर्मी फ्रॉम जनरल सर एफ आर आर बचर द लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ इन 1949 एंड बिकम द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद पहले यहाँ पर जो के एम करियप्पा थे वो पहले कमांडर थे, तो इसीलिए और यहाँ पर आर्मी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 15 जनवरी को। तो यहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान रखना। अब अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर आगे अगर हम देखें तो इसकी और भी हिस्ट्री है। जैसे हम बात करें, द इंडियन आर्मी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें तो मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है वर्ल्ड में, और कॉम्पिटिंग विथ सुपर पावर लाइक द US, रशिया एंड चाइना। तो लगभग US, रशिया, चाइना से यहाँ पर कॉम्पिट किया जा रहा है। और बात करें यहाँ पर आगे तो सैल्यूट टू द ब्रेव सोल्जर्स हु रिस्क एंड सेक्रीफाइस देयर लाइफ टू प्रोटेक्ट अस। इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री इन 1965 हैड गिवन द स्लोगन लाइक जय जवान जय किसान इंपॉर्टेंट टेक अवे। तो बात करते हैं यहाँ पर जय जवान जय किसान किसने दिया है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया है 1965 में, और ये कहीं ना कहीं आर्मी के लिए ही दिया है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट 17 जनवरी। भाई राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं और यहाँ पर 17 जनवरी को, तो बात करें यहाँ पर रोड सेफ्टी डे हम सेलिब्रेट करते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑब्जर्व द नेशनल रोड सेफ्टी वीक एवरी ईयर इन द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी। हमेशा ध्यान रखना सेकेंड वीक में हम जनवरी के यहाँ पर सेफ्टी रोड सेफ्टी डे सेलिब्रेट करते हैं। अकॉर्डिंगली द नेशनल रोड सेफ्टी मंथ विल बी ऑब्जर्व फ्रॉम 18 जनवरी 2021 टू 17 जनवरी 2021। बात करें यहाँ पर ये यहाँ पर 18 जनवरी से लेकर 2021 से 17 फरवरी तक 2021 तक इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो याद रखना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना 17 जनवरी को हम राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात करते हैं 19 जनवरी की, तो भारतीय आपदा सेवा सदैव दिवस हम हर साल यहाँ पर मना रहे होते हैं। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, याद रखना। अब बात करते हैं द नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स NDRF सेलिब्रेटेड इट्स 16th राइजिंग डे ऑन 18th जनवरी। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स अ स्पेशलाइज्ड मल्टी स्किल्ड ह्यूमैनिटेरियन फोर्स ऑफ द कंट्री केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन January 19, 2006 हैज़ बीन प्लेइंग अ वाइटल रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी अवेयरनेस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन द कंट्री। देखिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो उसकी अवेयरनेस बढ़े लोगों में और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है वो कहीं ना कहीं हो, DRR इसका शॉर्ट फॉर्म हम कह सकते हैं, तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हो, मतलब उसमें थोड़ी बहुत कमी आए, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डे यहाँ पर हो जाता है। द NDRF हैज अर्न्ड गुड नेम एंड फेम नेशनली एंड इंटरनेशनली विथ इट्स सेल्फलेस सर्विस एंड अनमैच्ड प्रोफेशनलिज्म इन डिजास्टर मैनेजमेंट। NDRF हैज सर्व्ड मोर देन 1 लाख लाइव्स इन इट्स 3100 ऑपरेशंस, मतलब 3100 ऑपरेशंस यहाँ पर NDRF ने किए हैं, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 6.7 लाख पीपल कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्होंने रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू का मतलब यहाँ पर ये होता है कि इन लोगों को, जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके से कुछ डिजास्टर वगैरह हो जाता है, मिसमैनेजमेंट हो जाता है प्रकृति का, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं जिसकी वजह से 6.7 लाख पीपल की जान यहाँ पर बचाई गई है। तो आगे अगर हम बात करें तो 23 जनवरी पराक्रम दिवस के रूप में हमारे साल मनाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है, याद रखना। तो अगर हम बात करें 23 जनवरी की तो पराक्रम दिवस के रूप में हम हर साल मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे उनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी यहां पर हमने सेलिब्रेट की है 23 जनवरी 2021 को, और उसी दिन को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट किए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जनवरी में। मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, पराक्रम दिवस कब मनाते हैं, तो 23 जनवरी 2021 यहाँ पर हमने ये सेलिब्रेट किया 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, याद रखना। द डे सेलिब्रेटेड टू ऑनर एंड रिमेंबर नेताजी इनडोमिटेबल स्प्राइट एंड सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन, और इन्होंने सर्व किया है हमारे नेताजी जो हैं, इन्होंने सर्व किया है हमारी कंट्री को और कहीं ना कहीं फोर्स में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो देखिएगा, नेताजी वॉज बॉर्न ऑन January 23, 1897 इन कटक इन ओडिशा, भाई कटक में इनका जन्म हुआ था, ओडिशा में है। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कोलकाता एंड प्रूव्ड हिज मेटल बाय बिकमिंग एन इंडियन सिविल सर्विस ICS में यहाँ पर ये ऑफिसर रहे, बट ही लेफ्ट द कम्फर्ट एंड एमिनिटीज दैट कैम विथ हिज जॉब एंड डिसाइडेड टू बी पार्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। यहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया कि भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं ICS ऑफिसर बने ये, और फिर यहाँ पर बात करें तो ये इन्होंने जॉब मतलब डिसाइड किया कि भाई ये कहीं ना कहीं फ्रीडम स्ट्रगल में जॉब के साथ यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल में ये पार्टिसिपेट करें। विद द स्लोगन इन्होंने दिया गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। इन्होंने बोला कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका स्लोगन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखना। अब अगर आगे देखें तो आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी की इन्होंने स्थापना की, दिल्ली चलो का स्लोगन भी इन्होंने ही दिया है,
तो बहुत बड़ी बात है। थाउजेंड ऑफ सोल्जर्स ऑफ ए 60,000 स्ट्रॉन्ग आर्मी सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द कंट्री, कम से कम 60,000 जो सोल्जर्स हैं उन्होंने सेक्रीफाइस किया है कंट्री के लिए। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है, याद रखना, पराक्रम दिवस यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं 24 जनवरी की बात करते हैं। तो इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो देखिएगा 24 जनवरी नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे हम मनाते हैं। ये छोटी छोटी बच्चियों के लिए है, छोटी छोटी लड़कियों के लिए है, और यहाँ पर जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए डे सेलिब्रेट किया जाता है, खासकर बालिकाओं के लिए, याद रखना। अब अगर हम बात करें इन इंडिया द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे NGCD is observed annually on January 24, the day aimed to focus on the inequalities faced by girls. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर लड़कियों के साथ जो भेदभाव होता है, इनइक्वालिटीज़ का जो फेस करती हैं वो, और टू प्रमोट द एजुकेशन, उनकी एजुकेशन के लिए, हेल्थ न्यूट्रिशन के लिए गर्ल्स चाइल्ड के लिए, एंड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द राइट ऑफ गर्ल चाइल्ड। भाई गर्ल्स चाइल्ड, कई बार हमने देखा है कि बहुत छोटे छोटे शहरों, बड़े बड़े शहर, छोटे छोटे शहर, वहाँ पर आप देखिएगा छोटे छोटी जो लड़कियाँ होती हैं वो हमने भीख मांगते हुए उनको देखा है, एक एक दो दो रुपए के लिए। तो वो सब जो कंडीशंस हैं, कहीं ना कहीं उनके राइट के लिए यहाँ पर ये डे सेलिब्रेट करते हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर द डे वॉज इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल ऑल द इनइक्वालिटीज फेस्ड बाय गर्ल इन द कंट्री, याद रखना। अब बात करते हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो वो है हमारी अभी स्मृति जुबिन ईरानी, याद रखना। आगे बढ़े तो यहाँ पर 24 जनवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, याद रखना। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रोक्लेम्ड 24 जनवरी एज इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा माई डियर एस्पिरेंट, इन सेलिब्रेशन ऑफ द रोल ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। भाई कहीं ना कहीं शांति के लिए यहाँ पर इसको मनाया जाता है कि भाई शांति बनी रहे, और खासकर एजुकेशन जो है वो हर जगह स्प्रेड हो, तो इसीलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखना। अब अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे, ये हम सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया ऑब्जर्व नेशनल वोटर्स डे एवरी ईयर ऑन जनवरी 25 टू इनकरेज मोर यंग वोटर्स टू टेक पार्ट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। 2021 मार्क्स द 11th नेशनल वोटर्स डे, द थीम ऑफ NVD 2021, भाई इस बार थीम क्या थी, तो मेकिंग अवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, ये इस साल इसकी थीम थी। तो ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर का भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। द डे हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम जनवरी 25, 2011, भाई 2011 से हमने इसको स्टार्ट किया, टू मार्क द फाउंडेशन डे ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI इसको सेलिब्रेट करता है, विच वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 25th जनवरी ऑफ 1950, भाई 1950 में ECI यहाँ पर बना, फाउंडेड हुआ था, इसीलिए हर साल हम 25 जनवरी को यहाँ पर ये डे सेलिब्रेट करते हैं। तो पहले हमारे चीफ कमिश्नर कौन थे, तो वो है सुकुमार सेन, याद रखना। और अभी अगर हम बात करें सुनील अरोरा जो हैं वो हमारे 23वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो 26 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाते हैं, इंटरनेशनल कस्टम डे के रूप में हम इसको मनाते हैं जनवरी 26 में। और आपको पता होगा कि यहाँ पर 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। तो आगे अगर हम देखें, द इंटरनेशनल कस्टम डे ICD इज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर, द डे सेलिब्रेटेड टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ कस्टम ऑफिशियल एंड एजेंसीज एंड फोकस ऑन द वर्किंग कंडीशन एंड चैलेंजेस दैट कस्टम ऑफिसर फेस इन देयर जॉब्स। दिस ईयर इंटरनेशनल कस्टम डे इज थीम, इसकी थीम क्या थी, तो कस्टम्स बोल्स्टरिंग रिकवरी, रिन्यूअल एंड रीसाइलेंस, याद रखना भाई, ये इसकी इस बार थीम थी। बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, द डे वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन WCO, भाई ये क्यों मनाते हैं हम, टू कमेमोरेट द डे इन 1953 व्हेन द इनॉग्रल सेशन ऑफ द कस्टम ऑपरेशन काउंसिल वॉज हेल्ड इन ब्रुसेल बेल्जियम। भाई कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल जो है CCC, मतलब यहाँ पर इस दिन में ये हुआ था ब्रुसेल्स बेल्जियम में 1994 में। तो इसीलिए हम हर साल यहाँ पर वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन WCO जो है
इसका जो हेड क्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और अगर हम बात करें मेंबर की तो 182 यहाँ पर कंट्रीज इसकी मेंबर है। और सेक्रेटरी जनरल है इस समय कौन? कुनियो मिक्यूरिया, याद रखना कुनियो मिक्यूरिया यहाँ पर इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। तो 26 जनवरी को हम हर साल इंटरनेशनल कस्टम डे के रूप में भी मनाते हैं। तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर था ये। अब अगर हम आगे बढ़े तो 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ विक्टिम ऑफ द होलोकॉस्ट, याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं तो इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम ऑफ द होलोकॉस्ट, इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रीमेम्ब्रेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 27 जनवरी एवरी ईयर। भाई 27 जनवरी को यहाँ पर हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो याद रखना ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है आप सभी के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। अब बात करते हैं 30 जनवरी को। तो 30 जनवरी को हम शहीदी दिवस मनाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है याद रख लेना। यहाँ पर देखिएगा हम देखें तो युवा दिवस और यहाँ पर शहीदी दिवस 26 जनवरी में जो हम गणतंत्र, हम अपना जो गणतंत्र बना था तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये कुछ डे यहाँ पर जनवरी में ऐसे हैं जो तो जो आपको याद रखना ही रखना है, याद रखना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मार्टियर्स डे ऑफ शहीदी दिवस हम यहाँ पर इसे सेलिब्रेट करते हैं और जनवरी 30 को यहाँ पर हम सेलिब्रेट करते हैं। तो बात करें जनवरी 30 इन द मेमोरी ऑफ महात्मा गांधी हु वाज असैसिनेटेड एट गांधी स्मृति इन द बिरला हाउस बाय नाथुराम गोडसे 1948। भाई 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी थी यहाँ पर नाथुराम गोडसे ने, इसीलिए हम हर साल शहीदी दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्च 23 को तो आप जानते होंगे कि यहाँ पर भी हम मार्टियर्स डे ऑल्सो ऑब्जर्व हम यहाँ पर इसको सेलिब्रेट करते हैं 23 मार्च को, क्योंकि भगत सिंह और शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर जो थे इनको भी यहाँ पर फांसी पर चढ़ाया गया था 1931 में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री जो यहाँ पर मैंने आपको बताई है ये भी आप नोट कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं तो ध्यान रखना। अब अगर बात करते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है, बापू के नाम से भी जाने जाते हैं, महात्मा गांधी भी इनको बोला जाता है और फादर ऑफ द नेशन भी इनको बोला जाता है, याद रखना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। अब बात करते हैं 31 जनवरी, भाई 31 जनवरी को हम हर साल मनाते हैं विश्व कुष्ठ रोग दिवस। तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे भी हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान रखना। अब बात करते हैं यहाँ पर कुष्ठ रोग की, तो उसकी जागृति फैलाने के लिए, उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए यहाँ पर इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे इज ऑब्जर्व अराउंड द वर्ल्ड ऑन द लास्ट संडे ऑफ जनवरी, याद रखना। एवरी ईयर दिस ईयर वर्ल्ड लेप्रोसी डे हेल्ड ऑन 31 जनवरी, द डे इज सेलिब्रेटेड टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस ऑफ द डेडली एंशियंट डिसीज एंड कॉल अटेंशन टू द फैक्ट दैट इट कैन बी प्रिवेंटेड ट्रीटेड एंड क्योर्ड, याद रखना। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। 31 जनवरी को हम हर साल वर्ल्ड लेप्रोसी डे विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाते हैं ताकि इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस आ जाए, उसके बारे में सबको पता चले। बात करें यहाँ पर 2021 में इसकी थीम क्या थी, तो बीट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग, ये इसकी इस साल थीम थी। द डे वॉज इनिशिएटेड इन 1954 फ्रेंच फिलैंथ्रोपिस्ट एंड राइटर राउल फालेरियो, यहाँ पर अगर हम बात करें फ्रेंच फिलैंथ्रोपिस्ट थे और राइटर थे जिनका नाम था राउल फालेरियो, एज अ ट्राइब्यूट टू द लाइफ ऑफ द महात्मा गांधी हु हैड कमीशन फॉर पीपल एफिलिक्टेड विथ लेप्रोसी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है 1954 से, और बात करें यहाँ पर राउल फालेरियो जो कि राइटर हैं और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं फ्रेंच के, ठीक है, इनके द्वारा यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया गया था। तो याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनको ट्राइब्यूट देने के लिए, ठीक है, लाइफ ऑफ द महात्मा गांधी, इनको ट्राइब्यूट देने के लिए कहीं ना कहीं ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखना। अब देखिएगा व्हाट इज लेप्रोसी, तो लेप्रोसी की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ ये कहीं ना कहीं एक यहाँ पर लेप्रोसी इज अ क्रॉनिक इन्फेक्शन डिसीज है, मतलब इन्फेक्शन से ये फैलता है, कॉज्ड बाय अ बेसिलस माइक्रोबैक्टीरियम लिप्रिया, इसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लिप्रिया, एम लिप्रिया भी इसको कहते हैं। और द सिम्टम्स ऑफ द डिसीज ऑकर्स जनरली आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ गेटिंग एन इन्फेक्शन ऑन एवरेज 5 ईयर्स
एज एम लेप्रे मल्टीप्लाइज वेरी स्लोली, मतलब धीरे धीरे करके ये बढ़ता जाता है और लगभग ये 5 साल में एवरेज ये धीरे धीरे करके ऐसे बढ़ता जाता है स्लोली स्लोली, ये मतलब जैसे दाग से बन जाते हैं अपने चेहरे पर बॉडी पर। द डिसीज मेनली इफेक्ट द स्किन, स्किन को ये कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है। पेरिफेरल नर्व्स म्यूकोसा ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द आइज, आइज पर होता है, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि व्हाइट कलर के जो आपको धब्बे दिखाई देते हैं किसी किसी के चेहरे पर स्किन पर, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लेप्रोसी के कहीं ना कहीं ये डिसीज से वो प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए ऐसा उनके साथ होता है। तो स्किन डिसीज है ये, याद रखना। और ये किसके द्वारा होती है, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे के द्वारा यहाँ पर ये फैलती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे हमने आज आपसे डिस्कस किए हैं, और अगर आपने इतने डे जनवरी के कंप्लीट कर लिए हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कम से कम आपके 1 से 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और भी इसके अलावा अगर आप स्पेशल यहाँ पर वीडियो चाहते हैं भारत एजुकेशन पर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर भी आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।